आई एम प्रतिभा एंड आई वेलकम यू गाइस टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 3 पढ़ा था, समझा था, एंड हमने कल्टीवेटिंग इनर वैल्यूज़ को पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस पर आएंगे और वो है हमारा फर्स्ट, ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में कहा था कि ये जो यूनिट है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होंगी, क्योंकि हमारा पिछला वीडियोज़ आपने जो देखा वो 52 मिनट्स का था एंड वो काफ़ी लंबा हो गया था, एंड ऑफकोर्स आपको भी समझने में वो टाइम लगा होगा एंड काफ़ी बोरिंग हो गया होगा। सो मैं चाहूँगी कि अगला जो हमारा वीडियो हो, जो क्लासेस हो, जो लेक्चर्स हो, वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में आए, ताकि मिक्सअप ना हो, खिचड़ी ना बने और आपको जल्दी समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको क्या लगता है ट्रेनिंग द माइंड क्या है? मतलब ये, मतलब ऐसे तो हम लोग को समझ में आता है कि ट्रेनिंग द माइंड मतलब माइंड को ट्रेन करना, राइट? तो ये सब जो टॉपिक्स, ये जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलते हैं हम लोग, अभी हम लोग देखते हैं ऊपर तक, समझते हैं कि ट्रेनिंग द माइंड आखिर है क्या, व्हाट इज़ ट्रेनिंग द माइंड। तो देखो, माइंड को ट्रेन करना ट्रेनिंग द माइंड है, ऐसे तो सब कोई बोल देगा, ठीक है? तो जो माइंडफुलनेस है, जो काइंडनेस है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है? सो जो हम लोग जो अपने स्किल्स, जो हम लोग दिमाग को सिखाते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्या करता है, हमारे माइंड को ट्रेन करता है। इसमें क्या होता है कि जो ये जो है वो इमोशनल रेगुलेशंस जो है हमारे, जो हमारे वेलबींग के लिए है, वो उसको ये प्रमोट करता है, जो स्किल्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ओके? और ये जो प्रैक्टिसेस, जो इसमें मेन प्रैक्टिसेस हैं, वो दो चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया यहाँ पे, जो कि है माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। तो ये दो चीज़ें हैं वो मेन सोर्सेज हैं माइंड को ट्रेन करने की, इसको प्रैक्टिस कराने की, ठीक है? तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेनिंग द माइंड का, ठीक है? तो यहाँ आते हैं डेफिनेशन पर। ट्रेनिंग द माइंड इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज दैट कल्टिवेट मेंटल स्ट्रेंथ, रिजिलियंस एंड वेलबींग। इट इनकंपासेस वेरियस टेक्निक्स एम एट इम्प्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल रेगुलेशन एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ। तो ये जो ट्रेनिंग द माइंड है, इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिसेस और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमारे माइंड को ट्रेन करती हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ, रिजिलियंस, और ये हमें वेलबींग प्रोवाइड कराती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं उसको वो कल्टीवेट कराती हैं, अगर हम माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ये सब प्रैक्टिसेस करके, ठीक है? ये हमें वेरियस टेक्निक्स सिखाती है। कंपास का मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि क्या काम होता है, सही डायरेक्शन देना, वैसे ये हमें टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स बताती है, जिससे क्या होता है कि हम कॉग्निटिव जो फंक्शन होते हैं वो हमारे इंप्रूव होते हैं, जो लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे इंप्रूव होते हैं। तो मैंने लॉजिकल फंक्शन और इमोशंस वगैरह मैंने करा रखे पिछले वीडियोज़ में, पिछले क्लासेज में, आप वो जाकर देख लो, तब आपको ये समझ में आएगा, ओके? और ये हमारी जो इमोशनल रेगुलेशंस होती हैं उसको इम्प्रूव करती हैं, और मेंटल हेल्थ को तो करती ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ समरीज हैं जिसको हम देखेंगे कैसे माइंड को ट्रेन किया जाए। पहला है हमारा बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सभी करते ही होंगे, मतलब सुना तो होगा ही इसके बारे में, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो ये जो सचेतन ध्यान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन्वॉल्व्स पेइंग फोकस अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, ऑफन बाय ऑब्जर्विंग द ब्रीथ बॉडली सेंसेशंस और थॉट्स विदाउट जजमेंट। रेगुलर प्रैक्टिस कैन इन्हेंस अवेयरनेस, कंसंट्रेशन एंड इमोशनल रिजिलियंस। तो देखो, आपको क्या लगता है कि माइंडफुलनेस क्या होती होंगी? रफली मैं बता रही हूँ, देखो माइंडफुलनेस जो होती है वो कहती है हमें कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, जो भी आप चीज़ें, देखो ध्यान क्या होता है, पहले ध्यान दो इस पर, बात सुनो, मतलब कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बोल रही हूँ। देखो ध्यान का अर्थ जो होता है, अर्थ जो होता है वो ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, या फिर खाना खा रहे हो, या फिर टीवी भी देख रहे हो, या फिर गेम खेल रहे हो, या फिर खेल रहे हो, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, पौधे लगा रहे हो, या फिर दादी के साथ बातें कर रहे हो, या फिर किसी के साथ भी बातें कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हो, तो उसमें, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस प्लेस पर, प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज़ ध्यान, ठीक है? उसको सिर्फ उस चीज़ों पर ही ध्यान देना और बाकी चीज़ों पर नहीं, मतलब आप जो कर रहे हो सिर्फ उस पर फोकस करो उसे करने में, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से कर पाओ। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, ना कि बगल में फ़ोन रखे और नोटिफिकेशन बजा तो भोला मन थोड़ा सा चेक कर लेते, भाई चलो देख लेते क्या है नोटिफिकेशन, क्या है व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, यहाँ किसका मैसेज आया, फेसबुक पर किसका, नहीं ये नहीं करना है। आप जो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई करो अभी, एंड कुछ आवर्स बाद आपका जब वो स्टडी कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आप फ़ोन करो, ठीक है? तो फ़ोन का भी एक टाइम फिक्स कर लो, पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लो। तो ध्यान का मतलब होता है जो चीज़ आप कर रहे हो, जिस प्रेजेंट मोमेंट में हो उसमें ही रहना, ना कि दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना। आप मान लो कि दादी से अपने बात कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स बात कर रहे हो और सोच कुछ और हो रहे हो, तो वो ध्यान नहीं है। तो
तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ कर योगा कर रहे हो और आप ध्यान लगा रहे हो, नहीं, आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें फोकस लाओ, उस पर फोकस करो, वही ध्यान होता है, वही मेडिटेशन होता है, ठीक है। तो यही होता है, या फिर हम जो अपने थॉट्स जो होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो इमोशंस होते हैं उसको बिना जज किए उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारी माइंडफुलनेस होती है वो तो कल्टीवेट होती ही है, हमारा मेडिटेशन भी होता है, एंड इससे क्या होता है कि हम बहुत अवेयर हो जाते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, ठीक है, समाज में, खुद को कंट्रोल करने में हमारे जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि हमारा फोकस जो होता है, जो हमारा फोकस कहते हैं ना पढ़ाई पर फोकस नहीं आ रहा, इससे क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है ये मेन चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये माइंडफुलनेस है, और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस थी जो ये बता रहा है। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो यहाँ पे जो सचेत ध्यान है, सचेतन ध्यान, इस पर फोकस करना, इसका हिंदी लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको याद रहे, सचेतन, चेतन, ओके, सचेतन ध्यान, ओके, सचेतन ध्यान, ओके। तो अब आते हैं डेफिनेशन पर। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन्वॉल्व्स पेइंग फोकस अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, ऑफन बाय ऑब्जर्विंग द ब्रीथ, बॉडी सेंसेशन और थॉट्स विदाउट जजमेंट। रेगुलर प्रैक्टिस कैन एनहेंस अवेयरनेस, कंसंट्रेशन एंड इमोशनल रिजाइलेंस। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, इसमें क्या होता है कि हमें फोकस करना होता है, अटेंशन कोई भी जो हम प्रेजेंट मोमेंट में है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट मतलब जो भी अभी हम कर रहे हैं उस पर फोकस करना, उसको ऑब्जर्व करना, चाहे वो हम लोग सांस ले रहे हैं या फिर बॉडी में जो भी हमारी हलचल वगैरह हो रही है, जो सेंसेशंस हो रही हैं, या फिर जो हमारे थॉट्स होते हैं जिसको हम बिना जजमेंट के उस पर फोकस करना, ठीक है। और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि ये हमारे अवेयरनेस को जो होता है उसको बढ़ाता है, और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और इमोशनल रिजिलेंस को बढ़ाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, ओके। सेकेंड है हमारा कॉग्निटिव ट्रेनिंग, तो ये संज्ञानात्मक सोच जो है, यहाँ पे हिंदी लिख दे रही हूँ मैं सबका, संज्ञानात्मक सोच, ओके, सोच संज्ञा, ओके, ये संज्ञानात्मक सोच क्या है, चलो इसे देखते हैं। कॉग्निटिव ट्रेनिंग टेक्निक्स सच एज पजल्स, मेमोरी गेम्स एंड मेंटल एक्सरसाइजेज हेल्प टू शार्पन कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दिस एक्टिविटीज प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग जो है, ये एक टेक्निक्स है, ठीक है, टेक्निक्स है, एक ये तरीका है जिससे हम लोग जो पजल्स होते हैं, पजल्स जैसे या पहेलियाँ कुछ होती हैं कि चलो ये बताओ क्या है, मैं बोल रही हूँ उसको, आप रिदम में एक थीम में बोलते हो और वो सामने वाले को बोलते हो चलो इसे सॉल्व करो, बताओ ये क्या है, एंड वो आंसर करता है। तो वो पजल्स होते हैं, आपने ऑफ कोर्स सुने होंगे। मेमोरी गेम्स जो होते हैं जैसे चेस वगैरह, और जो मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो उंगलियों से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि चलो ये तुम करके दिखाओ तुम कर सकते हो या नहीं, ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट उंगलियों को करते हैं हम लोग, तो वो हमारी मेंटल एक्सरसाइजेज होती है। वो क्या होती है कि हमारे दिमाग को हेल्प करती है शार्प करने में, वो उससे क्या होता है हमारा दिमाग जो होता है वो तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं जैसे मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसको शार्प करती है, उसको बेहतर बनाती है, और हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से वर्क करता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो ये क्या करती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करती है, और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। अगला है हमारा थर्ड, इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ट्रेनिंग द माइंड इंक्लूड्स डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग इमोशन इफेक्टिवली। टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए इसमें क्या होता है कि कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हाँ मुझे इतने दिन तक ये पढ़ना है, इतना सिलेबस क्लियर करना है, और इतने तारीख को ये क्लियर हो जाएगा, इतना घंटा मुझे पढ़ना है। तो वैसे ही हम लोग अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कुछ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि हमारा जो इमोशंस को हमें पता चल जाएगा कि कैसे मैनेज किया जाए उसे, कैसे उसे रेगुलेट किया जाए, और हमें मालूम चलेगा कि इसे कौन से इमोशंस को कहाँ यूज़ करना है और कितना और कैसे यूज़ करना है। इससे हमारा दिमाग काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा वर्क अच्छा करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि माइंड अच्छे तरीके से ट्रेन होगी। टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेस,
एंजाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस। तो ये कुछ जो डीप ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जिसे हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं जिससे हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम पहुँचता है, वैसे ही कुछ एक्सरसाइजेज करना और अनुलोम विलोम और ये जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं ये सब करने से हमारे क्या होगा कि माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और विजुअलाइजेशन जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन जैसे हम लोग अगर आप कोई गोल को अचीव करना चाहते हो उसको चाहते हो तो उसे विजुअलाइज करो पहले, फिर उसके बाद एक्शन मिलाओ उसे, तो उससे क्या होगा कि आप गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। तो ये है विजुअलाइजेशन। इससे क्या होगा कि हम लोग गोल को तो अचीव कर ही पाएंगे लेकिन जो हमारा स्ट्रेस है, एनजाइटी है और जो निगेटिव इमोशंस है हमारा, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है उसको हम लोग कोप कर पाएंगे, उसको हटा पाएंगे, स्ट्रेस को रिमूव करा पाएंगे और हम लोग रिलीफ हो जाएंगे, इन सब चीज़ों से रिलीफ मिलेगा एंड ऑफकोर्स माइंड अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगी। अगला है हमारा फोर्थ, पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस। तो ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि पॉजिटिव वे में काम करती है। चलिए देखें क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन सच एज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ्स कल्टिवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनहेंस साइकोलॉजिकल वेलबींग। दिस प्रैक्टिसेस प्रमोट ऑप्टिमिज्म रिजाइलेंस एंड सेटिस्फैक्शन विद लाइफ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था बोलने में। ओके तो ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है इसमें क्या होता है कि जो हम लोग ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं या फिर काइंडनेस होने का एक्ट जो है कुछ करते हैं और अपने स्ट्रेंथ पर जो अपने मजबूतियाँ उस पर फोकस करते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टीवेट करने पर फोकस करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकली जो है हम वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो होती है, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल थिंकिंग होती है, जो हमारा माइंड होता है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इससे हम अपने माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और अपने माइंड को इन्हेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये प्रैक्टिसेस जो है वो रिजाइलेंस को प्रमोट करती हैं और सेटिस्फैक्शन को, जिससे जो हमारे लाइफ में चाहिए। ओके अगला है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। ट्रेनिंग द माइंड इन्वॉल्व्स लर्निंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू कॉप विद डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। स्ट्रेटजीज लाइक टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग बाउंड्रीज एंड प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर हेल्प इंडिविजुअल रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रिवेंट बर्नआउट। माइंड को ट्रेन करने के लिए पहले हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा और उसकी जो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डेली लाइफ में हम डिमांड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें सीखना होगा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, बाउंड्रीज़ को कैसे सेट किया जाए, लिमिट्स को कैसे सेट किया जाए और सेल्फ केयर की प्रैक्टिसेस कैसे की जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और बर्नआउट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है अगला है हमारा सिक्स, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस। माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस सच एज योगा, ताई ची एंड क्यूंगोंग integrate physical movement with great awareness and mindfulness. These practices promote relaxation, flexibility and mind-body connection, improving overall mental and physical health. तो ये जो माइंड और बॉडी के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे योगा करना, ताई ची करना, क्यूंगोंग करना, इससे क्या होता है कि जो हमारी फिज़िकल मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं और हमारा जब फिज़िकल मूवमेंट इम्प्रूव होगा तो हमारा माइंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो करते हैं हम लोग उससे भी माइंड काफ़ी ज़्यादा है अच्छा फील करता है, जो माइंडफुलनेस जो है वो भी हेल्प करता है हमें अवेयर करने के लिए। ठीक है ये प्रैक्टिसेस जो होती है वो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी फील होता है, लचीलापन शरीर में और कुछ भी काम को हम लोग अच्छे से कर पाते हैं और इससे क्या होता है कि माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करती हैं और ओवरऑल जो हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। अगला है हमारा सेवन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंगेजिंग इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स कीप्स द माइंड एक्टिव एंड एजाइल। रीडिंग, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड लर्निंग न्यू skills stimulate cognitive function, creativity and curiosity. तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इंगेज होना ये हमें माइंड को एक्टिव रखने में और न्यू मतलब यंग रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इससे हमारा दिमाग बूढ़ा नहीं होता है, काफ़ी यंग थिंकिंग कर पाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं हम लोग। इससे क्या हो सकता है कि हमारा माइंड अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगा, जैसे कि हम किताबें पढ़ सकते हैं उसे नई नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे किताब पढ़ने से, लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो स्टिमुली होती है, जो स्टिमुलेट इससे क्या होता है कि हमारी स्टिमुलीज जो होती हैं वो अच्छे से वर्क करती हैं और इससे क्या होता है कॉग्निटिव जो फंक्शन होता है हमारा लॉजिकल फंक्शन वो अच्छे से वर्क करता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड क्रिएटिविटी बढ़ती है, जो हमारी अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, न्यू चीज़ें करना, नई नई चीज़ें सीखना और उसको अपने तरीके से और काफ़ी खुश दिली से उसको करना, ये सब हमें चीज़ें सिखाती है और इससे क्या होता है माइंड अच्छे तरीके से ट्रेन होता है, ठीक है, और हेल्दी रहता है। एट है हमारा सीकिंग सपोर्ट, सॉरी, ट्रेनिंग द माइंड इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग व्हेन एडिशनल सपोर्ट इज नीडेड एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और सपोर्ट ग्रुप।
थेरेपी, काउंसलिंग एंड पीयर सपोर्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अगर आप किसी से सपोर्ट लेते हो, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो आप सहायता लो, हेल्प लो। इससे क्या होगा कि आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, या फिर कोई भी पीपल के ग्रुप में जाओ, उनसे बातें करो, अपने कोई भी एल्डर से पूछो कि कैसे इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। या फिर आप थेरेपी ले सकते हो, काउंसलिंग पर जा सकते हो, और सपोर्टिव पीपल से सपोर्ट ले सकते हो, जैसे आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हो। देखो, जैसे शरीर बीमार पड़ती है ना, वैसे माइंड भी कभी कभी बीमार पड़ जाता है। जैसे शरीर के डॉक्टर के पास जाना नॉर्मल है, वैसे हम लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पागल है इसलिए पागलों के डॉक्टर के पास जाता है, नहीं, दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ नॉट गुड। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। जब भारत नया बन रहा है तो सोच भी नया होना चाहिए, ठीक है। तो आप वैल्यूएबल पर्सन से, वैल्यूएबल रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, और जो अपना मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और जो चैलेंजेस हो रही है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेनिंग द माइंड इनकम पास इज अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस एम्ड एट इन्हेंसिंग मेंटल स्ट्रेंथ, रिजिलियंस एंड वेलबींग। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए जो कंपास है वो हमारा, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि जिससे हम अपने जो दिमाग है उसको बढ़ाने के लिए, उसके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिसेस, उसके रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके, बाय इनकॉर्पोरेटिंग माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस इन टू डेली लाइफ, इंडिविजुअल कैन कल्टिवेट अ हेल्थियर, मोर बैलेंस्ड माइंड एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये प्रैक्टिसेस करने से, ये ट्रेनिंग करने से, ये जो लॉजिकल ट्रेनिंग है होती है उसे करने से क्या होता है कि हम लोग अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकल थिंक कर सकते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग हमारा इम्प्रूव होगा, और जो हमारा इमोशनल रेगुलेशन का प्रोसेस है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसे डेली लाइफ में हम लोग करने से क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं, जो आप रिफ्रेश बटन जो होता है वो आप दबा सकते हो, ठीक है। इससे क्या हो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होंगे, और हमारा दिमाग भी बैलेंस रहेगा, और जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यही था, ये चीज़ें जो थी वो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प्स, डू गिव इट अ लाइक, and surely of course I will make another videos on these topics. Thanks for watching, keep watching.